इस वीडियो में हम मोदीज नवनिर्माण लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंपनी के फाइनेंशियल, आईपीओ डिटेल्स और मेरा क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है। अब देखिए, देखा जाए तो कंपनी 2015 में बनी थी, यानी कि ज़्यादा पुरानी कंपनी ये नहीं है। और देखिए, सेक्टर की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है। और अगर इनके बिजनेस की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का ये बिजनेस करते हैं। और देखिए, इनके बिजनेस मॉडल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोकस ऑन डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग प्रोडक्ट टू एड्रेस द कंज्यूमर नीड्स अक्रॉस प्राइस पॉइंट, यानी कि ऐसे कस्टमर जो कि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें दाम कम लग जाए, प्राइस कम लग जाए और प्रोडक्ट भी हमें अच्छा मिल जाए, तो ऐसे जो कस्टमर होते हैं उनके लिए ये लोग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट होते हैं वो बनाने का काम ये लोग करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से जुड़ी हुई ये कंपनी है। अब देखिए, बात करते हैं कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, नेक्स्ट है स्टेबलाइज ब्रांड एंड रेपुटेशन, नेक्स्ट है प्रूवन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज एंड नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पाइपलाइन प्रोवाइडिंग कैश फ्लो विजिबिलिटी। अब देखिए, बात करते हैं फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल में तीन भागों में डिवाइड किया गया है, टोटल एसेट्स वैल्यू, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहां पर जो भी वैल्यू आपको देखेगी वो लाख में देखेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल एसेट वैल्यू की। टोटल एसेट वैल्यू अगर देखें तो यहां पर 2020 मार्च में इनकी 998 लाख के आसपास रही थी, वहीं मार्च 2021 में 735 लाख के आसपास हो गई, यानी कि यहां पर कमी देखने को मिली। वहीं मार्च 2022 में ये बढ़कर गई, दो तीन गुना के आसपास हो गई, देखिए चार गुना के आसपास ये होती हुई नजर आई और करीब 3098 लाख के आसपास ये हो गई, यानी जबरदस्त ग्रोथ यहां पर हुई। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पर आप देखें तो मार्च 2020 में 2195 लाख का था, वहीं मार्च 2021 में 1322 लाख के आसपास होता हुआ नजर आया, वहीं मार्च 2022 तक की बात करें तो 1151 लाख के आसपास ये होता हुआ नजर आया, यानी लगातार ऐसे यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, और प्रॉफिट किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्च 2020 में इनका प्रॉफिट 139 लाख के आसपास रहा था, वहीं मार्च 2021 में 37 लाख रह गया, यानी कि बहुत गिरावट देखने को मिली, लेकिन मार्च 2022 में फिर से रिकवरी होती हुई नजर आई और 132 लाख के आसपास इनका प्रॉफिट हो गया। लेकिन देखिए, ये फाइनेंशियल देखने में तो थोड़ा ठीक लगते हैं कि प्रॉफिट यहां पर बढ़ गया, लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा। जहां आप देख सकते हैं एसेट वैल्यू लगातार यहां पर थोड़ा सा कम हुई थी, लेकिन यहां पर बहुत ही तेजी से बढ़ गई। आप देखें एसेट वैल्यू यहां पर 2022 में बहुत तेजी से बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो रेवेन्यू इनका लगातार पिछले तीन साल से गिरता हुआ नजर आया, यानी कि यहां पर अगर ये एसेट वैल्यू बढ़ रही है, रेवेन्यू यहां पर कम हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट आप देखें तो प्रॉफिट भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखें पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट कई गुना बढ़ा है, तो थोड़ा सा मुझे यहां पर ये जो रिजल्ट हैं, ये जो फाइनेंशियल हैं, वो डिस्टर्ब लग रहे हैं। आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट यहां पर बात करें आईपीओ डिटेल की, तो यह आईपीओ 23 से 28 जून के बीच ओपन होने जा रहा है। अप्लाई करने के लिए ₹10 प्रति इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया है, ₹180 प्रति इक्विटी शेयर आपको यहां पर अलॉट होगा, यानी इसका प्राइस रखा गया है। 800 शेयर एक लॉट में होंगे, यानी मिनिमम 800 शेयर्स के लिए ही आप अप्लाई कर पाएंगे। इशू साइज की बात करें तो इशू साइज करीब 22.68 करोड़ के आसपास का ये टोटल इशू होने वाला है, और टोटल इशू यहां पर फ्रेश इशू के जरिए लाया जाएगा, यानी कि ये जो पैसा आएगा डायरेक्टली कंपनी के पास जाएगा और कंपनी के अलग अलग कामों के लिए यूज किया जाएगा। और देखिए, इशू टाइप की बात करें तो फिक्स प्राइस इशू है और बीएसई एसएमई में ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। और रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो 50% का रिजर्वेशन भी यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, यहां पर बात कर लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है, यानी कंपनी अपना आईपीओ क्यों ला रही है, क्यों कंपनी का जो हिस्सा है वो बेचकर मार्केट से पैसा रेस कर रही है। तो यहां पर पहला पॉइंट बताया गया है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी, यानी कि यहां पर इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उनको ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी इस कंपनी को बेचकर ये दूसरी जो इनकी कंपनीज है उसमें पैसा लगाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी का पैसा अगर आप
आप उसी में लगाओगे तो कंपनी ग्रो करेगी, लेकिन अगर आप इस कंपनी को बेच बाच के दूसरी कंपनीज में पैसा लगाओगे तो मुझे लगता है ये इन्वेस्टर्स के साथ कहीं ना कहीं धोखा यहाँ पर हो सकता है। तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये पॉइंट। वहीं नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया फॉर रीपेमेंट ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन्स, यानी कि उनके जो लोन्स हैं दूसरी कंपनी के उनको चुकाने के लिए लोग इस कंपनी को बेच रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए ये लोग अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, तो ये दो कारण उन्होंने बताए हैं। तो पहला कारण तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, हो सकता है आप लोग ज़्यादा समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें लॉट्स की, तो देखिए मिनिमम रिटेल कैटेगरी में एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, 800 शेयर्स रहेंगे, 144,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। वहीं मैक्सिमम भी आप एक ही लॉट कर सकते हैं, 800 शेयर्स रहेंगे और 144,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो ये कंपनी के जो पूरी डिटेल्स है, आईपीओ की पूरी डिटेल्स है वो मैंने आपको बताई, फाइनेंशियल कैसे हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि भाई इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्योंकि फाइनली तो हमें वही जानना होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि फाइनेंशियल देखने में तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें सिमिलरिटीज़ नहीं है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ एक तरफ कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है वहीं प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ना विश्वास करने वाली चीज़ है। तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इनके रिजल्ट से, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करने से आपको बचना चाहिए। आप रिस्की निवेशक हों या बड़े निवेशक हों या छोटे निवेशक हों, कोई भी निवेशक हों, आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने से बचना चाहिए। किसी कंपनी के नाम में मोदी जुड़ जाने से मुझे लगता है कि उस कंपनी का आईपीओ धमाल मचाए, ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के आईपीओ से अप्लाई करने से आपको बचना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि जो इन्होंने बताया है कि इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उनके लिए ये लोग मार्केट में पैसा रेज कर रहे हैं, यानी इस कंपनी को बेचेंगे, जो पैसा आएगा दूसरे कंपनीज के जो बैड लॉन्स होंगे उनको चुकाने का काम ये लोग करेंगे। तो ये कंपनी के बिकने का जो पैसा है वो दूसरी कंपनीज में खर्च होगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये इस कंपनी के लिए बहुत खराब बात है। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। ओवरऑल मेरा डिसीजन यही है कि इस आईपीओ में छोटे निवेशक हों, बड़े निवेशक हों, या रिस्की हों या बिना रिस्की हों, कोई भी निवेशक हों, आपको इस आईपीओ से दूर रहना चाहिए। हो सकता है थोड़ा मोड़ा इसमें समय के साथ चीज़ें बदलें, लेकिन मेरा अभी यही ओपिनियन है कि आपको इस एसएमई आईपीओ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप यहां पर फंस सकते हैं और आपका पैसा यहां पर डूबने की कगार पर आ सकता है। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। कुछ भी प्रॉफिट लॉस होता है तो उसके जिम्मेवार आप खुद ही होंगे, और अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर बात करें। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।